हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर वंदना उमराव। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। अब आई हूं मैं अपने टेरेस में सुबह सुबह बच्चों के स्कूल जाने के बाद। तो चलिए मैं आज आपको ब्रिंजल की हार्वेस्टिंग दिखाती हूं, और जो भी मेरे गार्डन में है इस समय वो सबकी आज हार्वेस्टिंग आपको दिखाती हूँ। तो चलिए मेरे साथ हार्वेस्ट करते हैं ऑर्गेनिक वेजिटेबल। ये है सुबह मॉर्निंग की धूप, सुबह सुबह जो कि बहुत फ्रेश फील कराती है। अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सर्दियों का मौसम आ रहा है, एटमॉस्फेयर में थोड़ी ठंडक हो गई है और प्लांट भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। और मैं आपको सबसे पहले अपने अनार दिखा देती हूँ। पहले तो मुझे लगा कि सारे फ्लावर झड़ जा रहे हैं, नहीं आएंगे अनार, लेकिन अब तो इसमें अनार आ रहे हैं। एक चिड़ियों ने खा लिया है अनार, छोटा सा जो हाफ बचा है, ये देखिए। तो कोई बात नहीं, चिड़िया तो खाएंगी ही, लेकिन अनार इसमें 5-6 भी आ गए ना तो मन खुश हो जाएगा। और आज एशियाटिक लिली बहुत अच्छी फूली है, इसमें 2 कलर की एशियाटिक लिली है। ये अपने आप ही उगाई है तो काफ़ी सुंदर लग रही है, मेरे फेवरेट प्लांट में है। और मैं दिखा देती हूँ आपको, मैंने ये जो भिंडी लगा रखी है इसमें भिंडी आ रही है। मैं एक एक दो दो करके तोड़ती रहती हूँ और इकट्ठी कर लेती हूँ। तो ये रेड वाली ओकरा है, इसको भी मैं कट किए ले रही हूँ, क्योंकि मैं 3-4 भिंडी मैंने इकट्ठी कर ली है, काफ़ी बड़ी बड़ी। तो ये रही भिंडी। ब्रिंजल की तो बम्पर सेल है इतना ज़्यादा, पहले तो आए नहीं ब्रिंजल, अब तो इतना बैंगन है, पर्पल और वाइट वाला, मज़ा आ गया देख के। तो मैं इसको हार्वेस्ट कर ले रही हूँ। सबसे बड़ी बात है, जो हम घर पे वेजिटेबल उगाते हैं वो प्योर ऑर्गेनिक होती है। तो इसमें ब्रिंजल में कीड़ा लग रहा है, अभी दिखाऊंगी आपको। कुछ ब्रिंजल में काफ़ी कीड़ा लगा हुआ है, तो लेकिन मैंने स्प्रे नहीं किया था। अगर हम घर पे वेजिटेबल उगाते हैं, अगर हम केमिकल स्प्रे करेंगे तो फिर फ़ायदा क्या है हमारा घर पे वेजिटेबल उगाने का। तो वाइट वाला ब्रिंजल भी बहुत आ रहा है, ज़्यादा बड़े होने का इंतज़ार नहीं करूँगी, क्योंकि इसमें कीड़ा लगे मैं उससे पहले से खा लूँगी। वेजिटेबल में कीड़ा बहुत लगता है।
मैंने पूरे ब्रिंजल हार्वेस्ट कर लिए हैं, थोड़े बहुत ही छोड़े हैं। थोड़े बहुत ही छोड़े हैं, पर्पल वाले तो मैंने पूरे हार्वेस्ट कर लिए हैं। अब देखते हैं, काफ़ी बैंगन निकल आए। अब मैं क्या हार्वेस्ट करूं? अब मैं कर लेती हूं ये वाली ककड़ी। ये भी बहुत इजी टू ग्रो है वेजिटेबल, बहुत आसानी से हो जाती है। ये लीजिए, ये मेरी दो ककड़ी, काफ़ी हार्वेस्ट करने को मिल गई है ये ककड़ी। और छोटा सा ही प्लांट है, अब धूप की वजह से काफ़ी ख़राब हो गया था, लेकिन फिर भी इसमें आ रही है। एक ये देखिए, छोटी सी ये लग रही है। और मिर्ची की मेरे पास तीन वैरायटी हैं। पहले तो लगा एक बार की चिली नहीं आएगा, लेकिन अब आनी शुरू हुई है। ये देखिए, एक वैरायटी ये है मेरे पास, और एक है इस वाली चिली में, कैसे दिखाऊं मैं, ये रही, ये इस वाली चिली में इस तरह से आ रही है ऊपर को। ये मैं एक लोगों के यहाँ से सीड लेकर आई थी, काफ़ी तीखी मिर्ची है तो इसमें भी आ रही है। और गोल वाली मिर्च भी आपको दिखा देती हूँ, ये है गोल वाली मिर्ची, ये भी अब बहुत आ रही है, पूरे प्लांट में ही आ रही है। कलमी साग मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ, आज मैं कलमी साग हार्वेस्ट नहीं कर रही हूँ, फिर से ग्रीन हो गया है, अच्छा सा है, काफ़ी इजी टू ग्रो है, बहुत सही लगता है मुझे ये, हमेशा गर्मियों में भी होता है, एवरग्रीन है। और रेड वाला चौलाई भी मैं अपने आप ही, अगर आपने एक बार गार्डन में बो दिया ना तो आपको ये हार्वेस्ट करने को मिलती ही रहेगी। ये मैंने ग्रीन वाली भिंडी बो रखी है, अब इसके प्लांट तैयार हो गए हैं, अब इसमें भिंडी आएगी। वो रेड वाले मैंने पहले बो दिए थे तो उसमें भिंडी आ रही है, ये वाले अभी बाद में बोए हैं। ये ग्रीन वाला चौलाई है, इसका एक प्लांट भी काफ़ी होता है। ये वाली है पालक, ग्रीन वेजिटेबल बारिश में इसीलिए नहीं खाते क्योंकि इसमें कीड़ा बहुत लगता है। इस देख, ये पालक है मेरी, ये पुरानी लगी हुई थी पहले, और ये वाली मैंने कुछ बोई है अभी जल्दी में, ये अभी छोटी छोटी है। ये है, सभी ग्रो बैग में मैंने थोड़ी थोड़ी बो दी थी, तो कुछ तो ख़राब हो गई बारिश की वजह से, कुछ तो हो ही जाएगी। तो ये मैं तोड़ ले रही हूँ, तो ये मेरी पालक हो गई, वो चौलाई और इतने सारे ब्रिंजल। अब मैं ये थोड़े से मालाबार स्पिनच के पत्ते भी तोड़ लेती हूँ, इसके तो पकौड़े भी अच्छे लगते हैं, और अब मैं तो इसकी सब्जी भी बना लेती हूँ। ये बहुत सारे प्लांट उगाए थे तो मैंने पॉली बैग में लगा रखे हैं, तो ये काफ़ी बड़े हो गए हैं बारिश के सीज़न में, इनको मैं गिफ्ट में दूंगी। मैं काफ़ी प्लांट दे भी चुकी हूँ, कुछ बचे हैं, ये बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, इधर उधर भागे जा रहे हैं। तो ये है मेरी आज की हार्वेस्टिंग, कैसी लगी आपको मेरी हार्वेस्टिंग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये है आज की मेरी हार्वेस्टिंग, कैसी लगी आपको हार्वेस्टिंग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।